मैं द्रौपदी को दाव पर लगाता हूँ। युधिष्ठिर के मुंह से निकले इन शब्दों को सुनकर दरबार में बैठा हर इंसान हैरान रह गया। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव गुस्से से भरी आंखों से अपने बड़े भाई की तरफ देखने लगे। ये बात अभी सबके गले से उतरी भी नहीं थी कि दुर्योधन की आवाज गूंज उठी, द्रौपदी को दरबार में लाया जाए। चारों तरफ सन्नाटा छा गया, लेकिन जल्द ही पूरा महल द्रौपदी की चीखों से भर गया। दुशासन के हर बढ़ते कदम के साथ द्रौपदी अपनी मर्यादा बचाने के लिए रो रही थी, चीख रही थी, लेकिन दुशासन इन सभी आवाजों को अनसुना कर द्रौपदी के बाल पकड़ उन्हें दरबार में खींचते हुए ला रहा था। उस दिन भरी सभा के सामने द्रौपदी की मर्यादा छीनी गई, कुरु वंश की कुलवधू का अपमान हुआ और यहीं से उस पूरे वंश के विनाश की शुरुआत हुई। पांचाल के राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य बचपन के मित्र थे, लेकिन समय के साथ उनमें शत्रुता हो गई। द्रोणाचार्य ने पांडवों की मदद से राजा द्रुपद को हरा दिया और उनका आधा राज छीन लिया। अब द्रुपद के बदले की बारी थी। उन्हें अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक महाशक्तिशाली पुत्र चाहिए था और इसी उद्देश्य से उनके महल में एक बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। यह सावली लड़की कई क्षत्रियों के बर्बादी का कारण बनेगी। इस भविष्यवाणी के साथ यज्ञ के बीच से जन्म हुआ एक कन्या का, एक ऐसी ज्वाला के साथ जिसमें आगे चलकर पूरा कुरु वंश भस्म होने वाला था। बड़ी काली आंखें, सुंदर सांवला रंग, खूबसूरत लंबे बाल, महाभारत की नींव और पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी। राजा द्रुपद द्रौपदी का विवाह अर्जुन से कराना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एक ऐसा स्वयंवर रचा जो सिर्फ अर्जुन ही जीत सकते थे। आसमान में घूम रही मछली की परछाई नीचे पानी में बन रही थी और शर्त ये थी कि जो भी इस घूमती हुई मछली की छवि देखकर उसकी आंख में निशाना लगाएगा वो ही द्रौपदी का पति बनेगा। मुकाबला शुरू हुआ। कई राजाओं ने स्वयंवर में भाग लिया, लेकिन एक एक कर सबका निशाना चूकता चला गया और फिर बारी आई श्रेष्ठ धनुर्धर सूर्यपुत्र कर्ण की। जैसे ही कर्ण निशाना लगाने के लिए आगे आया, द्रौपदी ने सबके सामने उसे ये कहते हुए अपमानित कर दिया कि वो एक शूद्र के बेटे से विवाह नहीं करेगी। कर्ण, जो एक बहुत कुशल योद्धा था, वो इस तरह सबके सामने अपमानित किए जाने पर बहुत क्रोधित हुआ। उसके गुस्से का तेज इतना था कि उसमें सब कुछ भस्म हो सकता था। उसने इस अन्याय के लिए राजा द्रुपद पर सवाल उठाए, फिर गुस्से से अपना धनुष फेंका और फिर पीछे हट गया। मुकाबला चलता रहा, लेकिन कोई भी राजा मछली की आंख पर निशाना नहीं लगा पाया। तभी पूरी सभा में से एक ब्राह्मण सामने आए। उन्होंने तीर कमान उठाकर निशाना लगाया और एक ही प्रयास में उस मछली की आंख को बीच से चीर दिया। ये ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि पांचों पांडवों में से एक अर्जुन थे। वो दिन जब हस्तिनापुर की राजसभा में एक महापाप हुआ। दुर्योधन ने शकुनी के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा और चौसर का खेल सजाया गया। दुर्योधन ने अपने साथ खेलने के लिए युधिष्ठिर को आमंत्रण दिया। युधिष्ठिर इस न्योते को ठुकरा नहीं सके। खेल के पासे हर बार दुर्योधन को जिताने लगे और जीतने की लालसा में युधिष्ठिर सब कुछ खोते चले गए। अपना धन, संपत्ति और राज्य खो देने के बाद उन्होंने एक एक करके चारों भाइयों को भी दांव पर लगा दिया और उन्हें भी हार गए। आखिर में युधिष्ठिर ने खुद को भी दांव पर लगा दिया। वो ये दांव भी हार गए और कौरवों के गुलाम बन गए। युधिष्ठिर सब कुछ हार चुके थे, लेकिन अचानक पूरी सभा हैरान रह गई जब युधिष्ठिर ने द्रौपदी पर दांव लगाया। पासे फेंके गए और उन पासों के पलटने से महाभारत का युद्ध तय हो गया, क्योंकि इसी दांव में युधिष्ठिर द्रौपदी को भी हार गए। अब द्रौपदी कौरवों की दासी। दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि द्रौपदी को दरबार में बुलाया जाए। दुशासन तुरंत द्रौपदी के कमरे में जा पहुंचा और उन्हें बड़ी बेरहमी से बालों से घसीटते हुए सभा में ले आया। पूरी सभा में सब चुपचाप अपनी आंखें झुकाए खड़े रहे। किसी ने भी इस घोर पाप का विरोध नहीं किया। अपने अहंकार की आग में जल रहे कौरवों ने सभी हदें पार कर दी। द्रौपदी का चीरहरण दुर्योधन नहीं बल्कि कर्ण की वजह से हुआ था। वो कर्ण ही था जिसने भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का सुझाव दिया, उन्हें सबके सामने अपमानित किया और पांच पति होने के कारण द्रौपदी के चरित्र पर भी कलंक लगाने की कोशिश की। ये द्रौपदी के स्वयंवर में हुए कर्ण के अपमान का बदला था
हम कई बार कहते हैं कि कर्ण बुरा इंसान नहीं था, बल्कि उसकी संगत बुरी थी। लेकिन ऐसे कई किस्से हैं जो हमें ये बताते हैं कि कर्ण भी अधर्म में पीछे नहीं था। अगर आप कर्ण पर एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। कर्ण की बात कौरवों को अच्छी लगी। दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र उतारने शुरू किए। उसके पांचों पति शर्म से अपने सर झुकाए खड़े थे। सभा में मौजूद द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र कोई भी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण का ध्यान कर उनसे मदद मांगी और फिर एक चमत्कार हुआ। दुशासन द्रौपदी के वस्त्र खींचता चला गया और उसी के साथ वो वस्त्र लंबा होता गया। इतना लंबा कि दुशासन खींचते खींचते थक गया, लेकिन द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर सका। आखिर में धृतराष्ट्र ने कौरवों को रोका और पांडवों को जुए में हारा हुआ सब कुछ वापस दे दिया गया। कुछ समय बाद दुर्योधन ने फिर से न्योता भेजा और इस बार भी युधिष्ठिर उसे ठुकरा नहीं सके। चौसर का खेल एक बार फिर से खेला गया जिसमें पांडवों की हार हुई, लेकिन इस बार शर्त ये थी कि हारने वाले को 12 साल वनवास और 1 साल छिपकर अज्ञातवास में काटना पड़ेगा। 13 सालों के लिए पांडवों ने अपना राज्य छोड़ दिया और जंगल की ओर चले गए। कौरवों द्वारा हुआ अपमान इतना बड़ा था कि इतने समय बाद भी पांडव इसे भुला नहीं सके। लेकिन परिवार को जोड़े रखने के लिए युधिष्ठिर ने फैसला किया कि वो बातचीत कर समाधान निकालेंगे। सभी पांडवों ने उनके निर्णय को मान लिया, लेकिन द्रौपदी इस बात से नाराज थी। द्रौपदी ने ही सभी को यह याद दिलाया कि किस प्रकार भरी सभा में उनका अपमान किया गया। द्रौपदी ने उन्हें ललकारा कि क्या पांडवों में इतना भी साहस नहीं है कि वो उनके अपमान का बदला ले सके? क्या जिस प्रकार किसी निर्दोष को सजा देना पाप है, उसी प्रकार एक दोषी को खुला छोड़ देना पाप नहीं? इस बात पर सभी सहमत हो गए। तब श्री कृष्ण के समझाने पर युद्ध की तैयारी हुई और संदेश भेजे गए और फिर भारत के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा गया, महाभारत का युद्ध, जिसकी आग ने कुरु वंश को भस्म कर दिया। सारे कौरव, अनेकों राजा और हजारों सैनिक मारे गए। द्रौपदी के जन्म के समय हुई भविष्यवाणी पूरी हुई। द्रौपदी को लोग आज भी केवल पांडवों की पत्नी के रूप में जानते हैं, लेकिन उनके जन्म का उद्देश्य इससे भी कई ऊपर था। आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही अनकही, अनसुनी और अनदेखी कहानियों के लिए रास को सब्सक्राइब कीजिए। See you in the next one.